नमस्कार, आप देख रहे हैं अंजन गांव सुरजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमरावती रूरल पुलिस के अंडर में दरियापुर पुलिस स्टेशन के हद्दी में कल रात 8 तारीख के रात के 8 बजे जो है पुलिस को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि दरियापुर और अमरावती के रास्ते में, दरियापुर से 4 किलोमीटर पहले रास्ते पे जो है गोलीबारी की गई है। लोकल पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँच के ये किया था और जो विक्टिम, जो एक महिला है 26 साल की, वो अपने फादर, मदर और उनके जान पहचान वालों के साथ में 4-व्हीलर में ट्रैवल कर रहे थे। तो अमरावती से ही इनकी गाड़ी को जो है इतर 4-व्हीलर और 2-व्हीलर पे लोग जो है फॉलो करते हुए आ रहे थे, ऐसा इनका कहना था। एंड फिर फाइनली एक 4-व्हीलर जो है इनके गाड़ी को ओवरटेक करके, इनकी गाड़ी को अड़ा के और उस 4-व्हीलर में से एक प्राइमरी एक्यूज्ड जो है उसने 2 राउंड इनकी 4-व्हीलर पे, विक्टिम के 4-व्हीलर जो है उसके ऊपर में 2 राउंड फायर किए थे, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था। तो एक तो जैसे ही खबर मिली थी लोकल पुलिस स्टेशन के लेवल से, नंबर वन विक्टिम एंड उनके फैमिली मेंबर्स को तुरंत जो है रूरल हॉस्पिटल दरियापुर में शिफ्ट किया गया था फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके अलावा जिला यंत्रणा, जो पुलिस अमरावती रूरल का जो पुलिस है, वो अपनी तरफ से फिर कार्रवाई के मूड में आके अमरावती सिटी एंड आसपास के इतर जो जिले हैं जैसे अकोला, वाशिम और यावतमल की पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया था कि ऐसा एक सस्पेक्टेड व्हीकल जो है जिसमें आरोपी ट्रैवल कर रहे हैं, उनको जो है नाकाबंदी लगा के उनको रोकने की जो है कोशिश करने के लिए। एंड मीनवाइल जो विक्टिम है उनको दरियापुर से अकोला जो है शिफ्ट किया गया। अकोला में हॉस्पिटल में, प्राइवेट खासगी हॉस्पिटल में उनका उपचार किया गया। एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस विक्टिम को जो है एक राउंड ऑफ फायर उनके सिर का जो स्कल होता है उसको थोड़ा सा हल्के से लग के उनको माइनर इंजरी हुई थी। थैंकफुली कुछ मेजर इंजरी उनको नहीं हुआ है। और उसके अलावा उस गाड़ी में जो और इनके जान पहचान वाले ट्रैवल कर रहे थे तो उनको कांच जो शीशे की मार की वजह से उनको भी माइनर इंजरी हुआ है। तो नन ऑफ द अदर मेंबर्स जो गाड़ी में थे उनको कुछ मेजर इंजरी बिल्कुल नहीं हुआ है। एंड विक्टिम जो महिला है, मीन नंबर वन विक्टिम, उनको भी माइनर इंजरीज हुए हैं, शी इज़ डूइंग फाइन राइट नाउ। मीनवाइल LCB की टीम्स हमारे जिले की लेड बाय PI LCB, वो अपने बाकी के 4 टीम को एक्टिवेट करके आरोपी की शोध में निकल गए थे। साथ में वाशिम, अकोला, इनफैक्ट इवन बुल्ढाना रेंज के सारे जितने भी जिले हैं उनके PI LCB से संपर्क करके, इंक्लूडिंग सिटी के क्राइम ब्रांच वालों को भी इंटीमेट करके हमने नाकाबंदी वगैरह लगाया था। एंड मीनवाइल इतर सोर्सेस से आरोपी के लोकेशन वगैरह ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही थी। एंड दिस मॉर्निंग, आज के दिन में टोटल 3 आरोपियों को जो है कस्टडी में लिया गया है फ्रॉम कारंजा, ये अपने वाशिम जिले के अंडर में। एंड उनका अभी अरेस्ट का जो प्रोसीजर है वो चालू है। एंड अभी उनको अरेस्ट, फॉर्मल अरेस्ट करके फिर मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाएगा। तो दिस इज़ द ब्रीफ फैक्ट्स अबाउट द इंसिडेंट। अगर इंसिडेंट का इतिहास का अगर देखा जाए तो बेसिकली अक्यूज्ड नाम महेश, यस महेश हरदे जो मेन अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड नंबर वन,
इनका और विक्टिम जो 26 साल की महिला है, अंजनगांव की रहने वाली है, इनका परिचय सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के ऐप पे हुआ था और परिचय होने के बाद में इनका आपस में जो है फ्रेंडशिप वगैरह हुआ था और इसके बीच में विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे। वो एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है वगैरह अभी आगे के तपास में पता चलेगा, बिकॉज दोनों भी यानी एक्यूज्ड ने भी विक्टिम के ऊपर में कुछ एलिगेशन डाले हैं एंड विक्टिम ने भी जो है एक्यूज्ड के ऊपर में एलिगेशन डाले हैं। तो ये बाकी का क्या वगैरह है वो तपास में निष्पन्न होगा, बट देर वॉज सम पर्सनल डिफरेंसेज बिटवीन द एक्यूज्ड बीन एक्यूज्ड एंड द विक्टिम, जिस वजह से जो है ये अक्यूज्ड मोटिवेट होके वो अकेला ही नहीं बाकी के इतर सह आरोपी के साथ में मिलके उसने जो है ऐसे विक्टिम के ऊपर में गोलीबारी की है। एंड कल का घटना का अगर विवरण देखें, अक्यूज्ड जो महेश हरदे है, इन्होंने विक्टिम के खिलाफ में जो है तकरारी अर्ज किया था गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में जो अमरावती सिटी में आता है, और उसके तकरारी अर्ज की चौकसी के लिए पुलिस वालों ने यानी गाड़गे नगर के पुलिस ने विक्टिम को पुलिस स्टेशन में बुलाया था। विक्टिम अपने पेरेंट्स के साथ में जो है फोर व्हीलर में कल के दिन आए थे तकरार चौकसी वगैरह के लिए, एंड सब कुछ कामकाज होने के बाद जब वो अपने फैमिली के साथ रिटर्न में उनके घर अंजनगांव के लिए जाने के लिए जब रवाना हुए थे तो वो अमरावती से निकल के दरियापुर के मार्ग से जो है अंजनगांव निकल रहे थे और तब की ये जो है घटना है करीब रात के 8 बजे की। ओके मैं साथ में गुना करने के लिए जो यूज किया गया मुद्देमाल है, एक तो BMW का फोर व्हीलर है, साथ में इनोवा क्रिस्टा की जो है एक गाड़ी है और टू व्हीलर एक पल्सर जो है उसको रिकवर किया है। बाकी हमारा तपास चालू है, बाकी के जो जो रिकवरी वगैरह रहेगा उसके लिए भी जो है पुलिस वर्कआउट कर रही है। मीनवाइल जो बाकी के आरोपी हैं जो अभी हमारे कस्टडी में नहीं है तो उनका भी शोध जो है चालू है। सर अक्यूज्ड जो है उनको विक्टिम के साथ में पर्सनल डिफरेंसेस थे एंड शायद जो मुझे अभी तक पता चला है कि अक्यूज्ड ने विक्टिम ने अक्यूज्ड का फसवणूक किया है, आर्थिक फसवणूक किया है ऐसा जो है अक्यूज्ड का एलिगेशंस है विक्टिम के ऊपर में। एंड साथ में अक्यूज्ड का ऐसा भी कहना है कि अक्यूज्ड एंड विक्टिम दे बोथ आर मैरिड, ऐसा इनका अक्यूज्ड का कहना है। बट FIR जो कल रजिस्टर हुआ है दरियापुर में जिसमें फिरियादी जो है विक्टिम के पिताजी है, तो उनका ऐसा कहना है कि अक्यूज्ड जो है विक्टिम से परिचित है बट इनका शादी हुआ है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अक्यूज्ड के पास है और अक्यूज्ड जो दिखा रहा है वो सारे के सारे फॉल्स हैं, ऐसा विक्टिम के पिताजी का कहना है। ये हो गया नंबर वन मुद्दा। दूसरा आपने क्या बोला था, 112। यस, जब अमरावती से विक्टिम के फैमिली एज इन गाड़ी से रवाना हुए थे तो इनको ऐसा संशय था कि इनके पीछे में जो है लोग इनका पीछा वगैरह कर रहे हैं, तो उसको लेके शायद विक्टिम ने डायल 112 पे कॉल किया एंड डायल 112 रिस्पॉन्डेड इन अ गुड दिस थिंग और उन्होंने नंबर वन वलगांव पुलिस स्टेशन जो अमरावती सिटी का है उनको इन्फॉर्म किया एंड दे प्रोवाइडेड एस्कॉर्ट टू द विक्टिम्स फोर व्हीलर अंटिल द अमरावती सिटी का जो लिमिट है वहाँ तक। उसके बाद में फिर हमारा कोल्हापुर पुलिस स्टेशन की हद्दी शुरू होती है अमरावती रूरल की, तो उन्होंने भी जो है इनको डायल 112 की गाड़ी की जो है सहायता से एस्कॉर्टिंग वगैरह दिया गया था ऐसा निष्पन्न हुआ। बट जब पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्टिंग कर रही थी उस टाइम पे फिर ये घटना कैसे हुई दिस इज स्टिल डिबेटेड, यानी अभी तक कुछ ऐसा पुरावा नहीं मिला है उसकी मैं जो है अपने लेवल से चौकसी करने वाला हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर पुलिस के हाथ से कुछ अगर लैप्सेस है तो ऑब्वियसली टेक नेसेसरी। खबरों
में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए अंजन गांव सुरजी न्यूज में। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अंजन गांव सुरजी न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।